श्रीराम समर्थ नवंबर 6 भगवान की कृपा। सचमुच भगवान की कृपा के बिना शेष सब बातें हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लड़की शादी होकर ससुराल जाती है और वहाँ उनकी सास ससुर देवर ननंद आदि सबसे खूब पड़ती है, लेकिन सिर्फ पति से ही न पटे तो ससुराल में सुख संतोष नहीं होगा। लेकिन यदि पति से पटे तो फिर औरों से उतनी नहीं पटती हो तो उसे कोई खास अड़चन नहीं होती। वैसे ही किसी की बीमारी में पैसा, डॉक्टर, दवा दारू, लोगों की सहायता आदि सब बातें चाहे अनुकूल हो, फिर भी यदि भगवान की कृपा का हाथ नहीं हुआ तो सब व्यर्थ जाएगा। जबकि उसके विपरीत यदि भगवान की कृपा रही तो फिर उन सब बातों का चाहे अभाव भी रहे तो बीमारी अच्छी हो जाएगी। इसलिए सब बातों में भगवान की कृपा की आवश्यकता है और उसे प्राप्त करने के लिए उसका स्मरण ही केवल एक उपाय है। मान लो कोई बदसूरत लड़की है, उसे कई जगह दिखाया गया लेकिन वह किसी को पसंद नहीं आई, लेकिन फिर किसी ने उसे देखा और एकदम पसंद कर लिया तो जो ही वह पसंद हुई उसमें सौभाग्य के सब गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार जो ही भगवान की कृपा हुई कि आदमी का काम पूरा हो जाता है, फिर उसने कितना पाप किया है कितना पुण्य किया है कौन पूछता है। भगवान की कृपा सब पर है, यानी वह हम पर भी है ही। कृपा हम पर है ऐसा निश्चय हुआ तो वह प्रकट होती है। भगवान की कृपा का अर्थ है उससे एक रूप हो जाना। पीऊंगा तो माँ का ही दूध पीऊंगा, इस भाव से बछड़ा गाय के थनों को धक्के मारता है, हुद्दे मारता है और गाय उसे दूध पिलाती है। वैसे ही हम भगवान से अनन्यता का व्यवहार करें और उससे उसका नाम ही मांगे तो वह कृपा करता ही है। हमारी जरूर की चीजें देने में भगवान की सच्ची कृपा नहीं है। जो भी परिस्थिति है उसमें हमारा समाधान बना रहे यह उसकी सच्ची कृपा है। हे भगवान, तुम मुझ पर कृपा करो। कहने का मतलब यह होता है कि मैं कृपा के लायक नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझ पर कृपा करो। तो जो कृपा के लायक नहीं है उस पर कृपा कैसी होगी। जैसे हम पहाड़ पर कोई आवाज़ करे तो उसके उत्तर में हमारी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, वैसे ही हमारी प्रार्थना की प्रतिध्वनि भगवान की कृपा के रूप में हमें प्राप्त होती है। भगवान की ही कृपा से उसका नाम हमारे मुख में आता है। भगवान की कृपा मुझ पर है ही ऐसा समझे। वह कृपा काम करती ही रहती है। हम अपनी शंका से उसे ढाक देते हैं। बहुत कुछ किया हुआ भी शंका के कारण व्यर्थ जाता है। मैं नाम नहीं छोड़ूंगा ऐसा पक्का निश्चय करने पर हमारी वृत्ति अवश्य निशंक हो जाती है। जो भगवान के होते हैं वे बिना किसी अपेक्षा से नामस्मरण करते हैं। आज का मुख्य विचार, किसी भी हालत में किसी भी समय और चाहे जो अवस्था हो, लेने लायक यदि कोई बात है तो केवल एक भगवान का नाम ही है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.